महाराज का हुक्म आ पातशाह का रहतनामे च हो वे सिख सिर टोपी धरै सात जन्म कुश्ती होए मरे क्योंकि दस्तार साड़ी शान आ जो तो बंदे का सिर ते हथ जाऊगा ना सवेरे वो बुरे कामों तो भी रुकूगा माड़े कामों तो मेरे दस्तार आ सिर पर अहसास हों अस कराने भी भाई जो कोई किसी की धी भैन देखना भला हाथ सिर पर रखना भी मैं यार माड़ा तो नहीं है मैं वो बंदा निकम्मा आ जिहड़े मन च ये लैके उतरिया होया भी सच्चे पातशाह जे चले आ ना अज प्रचार ते घरों असी कट्ठे हो गए ये महाराज वो सिंह भेजी जिहड़े तेरे हो जाण ये कोई दिखावा थोड़ी है यार फैशन थोड़ी है दस्तार साड़ी शान ये बाबा फतेह सिंह की कृपा दस्तार बब्बू मान सानू मिले मैं तो उन्होंने भी क्या मैं यार तुसीं ये की करदे हो तुहाडे तो वो बब्बू मान देखूगा वीडियो नूं पता लैणा मैं मिलिया उन्हूं मैं यार तू इदां दे तुसीं कम करदे हो तुहानूं देख के सीध लैणी है नौजवानों ने नौजवान केस रखण दा प्रण करदे ने सन्मानित किया जाता है कि लगता है कि इस तों पहलां जिहड़े नौजवान अज तुहाडे कोलों आके प्रण करते हैं सन्मानित किया जाता है वो इस तो पहला केस इस कारण करके नहीं रख पाए कि सानू पग बननी पैंदी है तो पग की जाँच नहीं आउंदे जी मेरे को इदा भी भाई साहब इदा भी आउंदे जवान मैन मैंने बड़े बड़िया ने कहा कहिंदे ज्ञानी जी भी इदा सानू तो जाँच ही नहीं है तुसी रोज़ बनोगे रोज़ सजाओगे तुहानू आ जानी है शुरू तो जो छोटे हैं साडे माँ प्यो ने साडे केस नहीं सी रखे पर हुण असी आप सोचिया वा कि असी केसां धारी होईए कि गुरु तो बिना तो साडा कुछ भी नहीं है जिहड़े अपने सिंह दस्तारा बनते ने वो साडियां सरकारां उन्हां नूं डरा दिंदियां जेलां च घला दिंदियां ने वो साडे वल वो उहनां नाल वेख के दूजा बंदा नहीं भी दस्तार बंदा TV84 दे नाल जुड़े हो मैं रजिंदर सिंह सवरा खालसे की जन्म भूमि श्री आनंदपुर साहिब दे विच होले महल्ले दे दिनां दे विच बहुत वड्डी तादाद दे विच सिख संगतां हाजरीन हो रही ने और इन्हां दिनां दे विच सिख संगतां दे वल्लों जां जिहड़े सिख विद्वान जां जिहड़े सिख प्रचारक मन्ने जांदे ने और जिहड़े चाहुंदे ने कि सिक्खी वधनी फुलनी चाहीदी है उहनां दे वल्लों एक नवेकले ते वड्डे उपराले नौजवानां दे सिक्खी धारण करन नूं लैके कीते जा रहे आ ज्ञानी जसपाल सिंह मेरे खब्बे पासे खड़े ने इहनां दे वल्लों अपील नौजवानां वास्ते सिख संगतां वास्ते है कि जिहड़ा केस रखण दे प्रण करेगा उन्हों दस्तार दे नाल सन्मानित किया जाएगा इत्थे बस नहीं सगों दस्तार की संपूर्ण तौर पर सिखलाई भी दिती जाएगी गलबात करांगे गलबात करने वास्ते हाजिर ने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी जी किवें देखदे हो जी जिहड़ा उपराला तुहाडे वल्लों एक नवेकली पहलकदमी शुरू की गई है लंगर ते वख-वख तरह के बहुत सारे लगाए जा रहे हैं पर तुसी एक नवेकला कार्ज शुरू किया है जी किवें देखदे हो जी इस पहलां तो मेरे वल्लों थोड़े TV84 मतलब सारयां नूं तुहाडे दर्शकां नूं बहुत बहुत बधाईयां होले महल्ले दीआं तुहाडी पूरी टीम नूं महाराज दया करन तुहाडे चैनल नूं चढ़दी कला करन ते दूजी जिहड़ा तुसीं बेनती कीती आ जे इह असीं तकरीबन भाई साहब जी सानूं 10-11 साल हो गए आ इदां ही सेवा करदे आ जिवें कि सभा दे दिहाड़े हो गए फतेहगढ़ साहब अपने साडे मछवाड़ा साहब मैं श्री मछवाड़ा साहब तों बिलोंग करदा नेड़ों पिंड पवात तों ते होर चमकौर साहब साडे लागे आ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੜ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਰੰਗਦਾਰ ਲਿਆਏ ਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣ ਉਹ ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੋਨੇ ਨੇ ਸਿਰੋਂ ਦਾੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਕੋਈ ਬੀੜਿਆ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਜਰਦਾ ਬੀੜੀ ਖਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਬਨਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਬਨਤੀ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਕੈਂਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰੇਗਾ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੂਰਾ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੋ ਬੱਚੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ +2 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ +1 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਦਾ
मैं कभी अपने घर गल करा, मैं इदा नहीं दस्तार सजाउणी, जे ऊं मननी उधर चले जा बेटे, बस साडे कोल उहदी मम्मी नाल गल करिए, मैं उहदे फादर साहब ने तुहाडा बच्चा साडे कोल आया जी, कोई नशा तां नहीं करदा? कहिंदे नहीं भाजी। मैं कहा भी इदा भी असी दस्तार बन के भेजण लगे हां भैन जी, इह ना होवे मुड़ के दो चार दिन बाद ला के छड्ड देवे। इह कहिंदा मैं पक्के तौर ते प्रण करना भी तां तुहाडे नाल गल करिए। उह कहिंदे भी भाजी असी तां खुश नसीब हाँ भी साडा बच्चा कदे गुरसिख बण जाए। फिर उहनूं उहनां नूं कहिंदा तुसीं प्रेरियो, मैं इधरों प्रेर के भेजूंगा जिन्ना मेरे महाराज समर्था दोषी है। लगता नहीं कि जिस तरीके दे नाल नौजवान कुराहे पए होंगे ने तो एकदम हौली हौली कह सकते हैं कि दस्तार के वल्ले आते हैं, उस तो बाद किते ना किते नेक कमां दे वल्ले भी जिहड़ा वाधे नज़र आते हैं, चंगे कमां दा प्रण करते हैं। लगता नहीं एक पहल कदमी है दस्तार तो शुरुआत होंगी है जिस? नहीं हाँ बिल्कुल भाई साहब, बहुत वधिया तुसीं इह कहा, दस्तार तो ही होंगी है, क्योंकि दस्तार साडी शान आ। जदों बंदे दा सिर ते हत्थ जाऊगा ना सवेरे, वह बुरे कमां तो भी रुकूगा, माड़े कमां तो मेरे दस्तार आ सिर ते अहसास हुंदा। असीं इस कराउंदे आ वी भाई जदों कोई किसी दी धी भैण नूं देखणा वाला हत्थ सिर ते रखणा भी मैं यार माड़ा तां नहीं हैगा, जे तूं नशा करना तो यह भी देखना गुरु कलगीधर दी आ दाड़ा किसे दा, मैं कोई नशा ना करा। हुण इक ही मेरे को भाई साहब इत्थे जवान आया सीगा, उहदी घरवाली बेचारी बहुत कहे भाजी बंद हो, मैं कहा भैणे इहनूं पुछ लवां, उह कहिंदा मैं भुक्की खांदा काला पनी किहड़ा किहड़ा, मैं तां पता वी नहीं चीज़ां दा वी किहड़े माल खांदा इहो जिहा। कहिंदा वी ज्ञानी जी मैं भी छड्ड नहीं सकदा। मैं कहा वीरे तीन दिन हो रहे हैं, एक बारी तू महाराज अगे अरदास करके आ जा पातशाह अगे, है ना, तू महाराज दया की तेरा मन बन गया ही बना बन दांगे तेरे, पर जे तू नशा करेगा इदा भी साड़ी सेवा की लगनी ना सब मेरे मन में सुकून तो नहीं आना। मैं कहा मैं वो बंदा निकम्मा हाँ जिहड़े मन च ये लैके उतरिया होया भी सच्चे पातशाह जे चले हैं ना अज प्रचार ते घरों असी कट्ठे हो गए, ये महाराज वो सिंह भेजी जिहड़े तेरे हो जाण मुड़ के। मैं मन की गल कहना अपने जो अपने मन च मेरे, मैं तुहाडे नाल शेयर कर रहा भी गुरु साहब इदा मन च लिया के फिर इत्थे आई दा, फिर उही असी सूल रखे आ। ये गुस्सा करके आंदे यार इदा कोई होर तुसी जे मोड़ी जाओगे इदा करोगे भी कौन सिख बनूगा। मैं कहा जी देखो असी मोड़दे नहीं, ये मन जावे। मान लो भाई साहब साडे कोल फतेहगढ़ साहब ना उत्थे एक जवान आया, उन्हें की किया जी सातों दस्तार बना के चले गया, वो जाके अगे जरदा मन लग गया। एक बंदा वापसी आया मेरे को कहना ज्ञानी जी ये की करिया, मैं की गल भाई साहब, कहने तुम दस्तार बनती वह बंदा जरदा मलदा। मेरे मन में बहुत दुख लग गया, मैं मना भी अज तो बाद मन बना लिया पातशाह जिहड़ा तेरा ना होया फिर फायदा की दस्तार बनी दा। दस मिनट लिए होले महाले तो असी केसरी ज नीलिया दस्तारा बन के ट्रालियाँ खोल के सुट्टी जर रखती हाँ, पर फायदा की है? ये कोई दिखावा थोड़ी है यार, फैशन थोड़ी है, दस्तार साड़ी शान आ। मैं यही बेनती आ स्पीकर लाया भाई साहब आज मैक रखे यही बेनती करी दे फिर सारा दसीदा भी कला कला कड़के लड़ लाना भाई, महाराज का हुक्म आ पातशाह का रहतनामिया च होवे सिख सिर टोपी धर है सात जन्म कुश्ती हुए मरे, भी इदा दस्तार नहीं ला के टोपी जन रखनी। ये बाबा फतेह सिंह की कृपा दस्तार आ। दमालगढ़ गुरुद्वारा साहब अपना नाले है ना, आप केसगढ़ साहब खड़े हैं इतने उन्होंने दसी दा भी जब जाने ना मत्था टेकते हो तो पढ़िया करो भी दमाला कितों चलिया। तुसीं टोपी का जिक्र किया, कुछ अजिहे नौजवान भी मिल जाते हैं पग भी बनते हैं तो कदे इदां दा वक्त आउंदा टोपी भी पा लैंदे आ, इस चीज़ के नाल सहमत हो तुसीं? नहीं बिल्कुल माड़ी गल आ जे, मैं तो उन्हूं खिमा करना, मैं कहना शब्द मैनूं वाजिब नहीं पर कहण दिओ भी मैनूं बंदा नहीं समझदा जिहड़ा बंदा इदां करदा। जिहड़े टोपियां लै के मैं मैनूं गायक बहुत मिले आ जी, तुसीं मिल लिओ बब्बू मान सानूं मिले, मैं तो उन्हूं भी कहा मैं कहा यार तुसीं इह की करदे हो, तुहाडे तो वो बब्बू मान देखूगा वीडियो नूं पता लैणा मैं मिलिया उन्हूं, मैं यार तू इदां दे तुसीं कम करदे हो तुहानूं देख के सीध लैणी है नौजवानां ने, जो तुसी ना गुरु वाले बने तुसी ना बने। मैं कहा तुसी किन्ना चिर गा के किन्ना पैसा कमा के ये सुना सुना के लोगों नूं गायकों नूं बेनती करदा मैं, इन्ना क लच्चरता सुना सुना के पैसा इकट्ठा करके किहड़े बच्चे नूं खिलाउणा तुसी अपणिआं नूं, किहड़ा सिक्खी लई दी कारज कर रहे हो? चज दा गाओ वधिया, पिछले किसानी दा मोर्चा लग्गिआ ऐतक वी लग्गिआ चलो, ते इन्ना वधिया गाया किन्नी नौजवानी वेर होई आ इहनां दी सिर ते। जे ये बंदे चाहुण मैं आ, मैं कहा बाणा पाया होया ठीक है जी, मैं बाणा पा के रखदा, मैं गुरसिखा दस्तार बन्नी आ, श्री साहब एड्डी वड्डी मेरे भाई आ, जे मैं हुण इहजे कम करा आप ते किसी नूं की सिक्ख्या दे दूंगा? हाँ जे गुरु साहब की कृपा मैं पहचाना भी मैं गुरु सिख हाँ, है ना, तो मैं जे किसी नूं प्रेरदा तो उहदे असर भी होऊगा। ये गायकां नूं करना चाहिए अज भी, जे तुसीं चंगे बणोगे गुरु के प्यारे हो तुहानूं सुण के दुनिया किसदा धी किसदी माँ का पुत नशा छड्ड के तुहानूं चंगा सुण के चंगे राह आजूगा। नौजवान केस रखण का प्रण करते हैं सन्मानित किया जाता है, कि लगता कि इस तो पहला जिहड़े नौजवान अज तुहाडे कोलों
आ के प्रण करते हैं, सन्मानित किया जाता है। वो इस तो पहला केस इस कारण करके नहीं रख पाए कि सानू पग बननी पैंदी है, तो पग की जाँच नहीं आ जी। मेरे को इदा भी भाई साहब इदा भी आ जवान मिन मिन बड़े बड़े ने कहा कहने ज्ञानी जी भी इदा सानू तो जाँच ही नहीं है। उन्होंने फिर कही भी यूट्यूब से साढ़े को ना भाई साहब मैं तुम तो एक पहले एक बेनती करना चाहता साढ़े को ना कैंप च पिंड कैंप लाने असी एक बच्चा आया देखो मैं हैरान हो गया उस बच्चे असी दमाला बन्ने वो तो बच्चा कोल खड़ा सी होर बच्चे दमाला बन्ने उन्हें जदे नाल लगती दमाला बनता दूए बच्चे ने जिन्होंने कोल खड़ा सी। मैं सोचे मैं कहा बेटे तू इतनी जल्दी पहला बनया कहना नहीं ज्ञानी जी पहला घरे करे कहना नहीं मैं हूँ किमें कहना मैं देखती सारे थोनू देखी गया इन्ना दिमाग मैं हैरान लगा बच्चा किन्नी तरक्की कर सकता है। सेम भाई साहब माड़ा मोटा बल भी नहीं पाया उन्हें इधर उधर कर मैं नौजवानों बेनती करता हूँ उस जवान बच्चे की उदाहरण दिता हूँ भी यार जो इन्नी छोटी उम्र च बच्चा विस्तार देख के है ना बन सकता है सजा सकता है फिर तहूँ कि औखा यूट्यूब पर किन्नी मर्जी वीडियो कट लो है ना तुसी रोज़ बनोगे रोज़ सजाओगे तहूँ आ जानी है फिर वो कहें हाँ ज्ञानी जी भी मेहनत करिए तो मेहनत को फल लगता है। नौजवानों में प्रण किया हाँ जी ये प्रण किया जवान ने इन्हें गल कर सकते भाई जी कितों आए हो मैं अमृतसर तो हाँ जी सर सब तो पहली बार आए हो होला महला देख का पहला भी मैं महीने बाद ही जी इतने आन के दर्शन करता महाराज के गुरु चरणों के सिर मत्था टेक के जाना वा सिर्फ साड़ी एक प्रॉब्लम है कि यही शुरू तो जो छोटे हैं साढ़े माँ प्यो ने साडे केस नहीं से रखे पर हूँ असी आप सोचा वा कि असी केसा धारी हुई है कि गुरु तो बिना तो साढ़ा कुछ भी नहीं है। मैं एक बेनती जरूर करता वा मैं अगे भी ये चीज़ सोचता हाँ मेरी खास तौर पर एक बेनती है सरकार कि जिड़िया अपन सरकार ने साढ़े गुरु सिख जिन्हें भी अपने नौजवान ने जोड़े दस्तारधारी ने इन्हों डराया ना करो इन्हें अगे मेरी खासियत करके बेनती आ कि जो आप नशे तो मुक्त पंजाब करना ना तो ये जे आप गुरु सिखा आप ना डरावे ना तो नशे तो मुक्त अपने आप ही हो जाना वा क्योंकि जेडे अपने सिंह दस्तारा बनते ने वो साड़िया सरकार उन्होंने डरा दें जेलों से घला दें ने साढ़े वाल वो उन्होंने वेख के दूजा बंदा नहीं भी दस्तार बनता तो पहला नहीं तो किसी ने कहा कि दस्तार सजानी चाहिए है सोहनी लगती है ज नहीं जी मैनू किसी ने नहीं कहा मैं आप खुद महाराज की जो गुरबाणी सुनता वा मैं जाना सचखंड श्री हरिमंदर साहब से जाना वा मैं उतों ही मैनू प्रेरणा मिलती है कि मैनू पता वा कि मैनू गुरु महाराज के चरणों के दस्तार बन के ही उन्होंने चरणों के रहना चाहिए वा बाकी मैंने किसी ने प्रेरणा नहीं दी मैं खुद आप ही अपने दिमाग नाल चीज़ को सोचता वा। की नाम है जी तो साई वर्मा जी कितों आए हो लुधियाने तो लुधियाने तो पहली बार आए हो जी हाँ जी पहली बार ही आए किवें दा लगा तुहानू इत्थे होले महल्ले दे दिनां दे विच आ के नौजवान दस्तारा के उपराले कर रहे हैं ज्ञानी जी हुणां वल्लों भी एक वखरा उपराला तो सन्मानित किया जा रहा बहुत अच्छा लग्या मैनूं मैं पहली बार आया बहुत अच्छा लग्या मैनूं इत्थे आके जी दस्तार अज पहली बार सजाई जां पहलां भी सजाउणे फस्ट टाइम भी सजाई मैं प्रण कर लिया तुम पक्के तौर पर सिंह सज रहे हो हाँ जी जी सर बिल्कुल ज्ञानी जी भाई साहब वह चलो बचेरे ने बन लिए इन्हें मेरे को तो आया ना जवान ये कहना मैं दस्तार बनने सजानी है मैं क्या भी वीर गल सुन ला भी दस्तार असी पुछे कोल कड़ा हड्डे मैं दस्तार ही तां सजाउंदे आ भी जे केस दड़ा रखना यह कहना जी मैं मतलब कि यह मन बना गई है तो कुदरती इधरों मैं कहता कुछ इनू पहले भी वो महाराज ने दया करती पातशाह ने तैने मारे होर भी नौजवान बहुत ने जी बहुत ज्यादा भाई साहब इदा के भी मैं बेनती करदा भी इदा के भी नौजवान साढ़े को आते हैं कई रो पेंदे अखा चो हंझू होंगे भी हुण नहीं बस तौबा मैं फिर भी ये उपराला वधिया महाराज तेरी कृपा ना असी तो इन औकात नहीं साड़ी महाराज कलगी वाले तेरी कृपा है जो उपराला करा रहे जो लोग इतने आके एहसास करते हैं कितने ना कि मतलब चीज़ा होंगे जो भुला होंगे जनताइया होंगे हाँ जी हाँ वो जरूर एहसास करते हैं एक ब मैं एक नहीं पता नहीं किन्ने के नौजवान आ गए इतने बहुत ज़्यादा मान लो जे इतने 10,000 बंदा आया वो मेरे ख्याल ना 10,000 चो 5-7,000 तो मेरे अपना ख्याल आ भी तो वध भी हो सकता भी जोड़ा बंदा बच्चे जोड़े 5-7 100 मैं 100 कह बाकी बारह जानते भी इन्ने के मैं लगता भी इतने एहसास करके जाते इदा जोड़ मेलिया भी असी गलत हाँ सानू गुरु वाले बनना चाहिए सानू केस दड़े रखने चाहिए इदा एहसास करते हाँ जी बिल्कुल एक नवेकरा उपराला श्री आनंदपुर साहब जिसनों खालसे की जन्म भूमि मनिया जाता है इस पावन धरती के उपर होले महल्ले के दिनों के किया जा रहा है ये तमाम सारे उपराल्या बाबत तुसी किस तरह के सुझाव रखते हो अपने सुझाव अपने विचार कमेंट बॉक्स के दे देन का यतन करना तो वादा करते हैं कि अगे भी तो
पंथ पंजाब ते इस तरह के जिहड़ियां चंगी गलबात है चंगे सुझाव चंगे मैसेज ने वो भी तुहाडे दरमियान भविख दे विच लैके हाजिर हुंदे रहांगे। धन्यवाद।